नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बता दें कि एमपी में खाद की किल्लत से लगातार किसान जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं। राजगढ़ में खाद के लिए सुबह 5 बजे से ही किसान जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। राजगढ़ में खाद के लिए बता दें कि स्कूल छात्र भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं। श्योपुर में खाद ना मिलने से किसान नाराज नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि किसानों ने श्योपुर कुंजहाजपुर हाईवे यहाँ पर जाम किया है। बड़ौदा कृषि उपज मंडी के पास भी वाहनों की कतार देखी गई। बता दें कि बुधनी में खाद संकट को लेकर किसानों का चक्का जाम देखा गया। नीमच में भी खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड अन्य दस्तावेज रख लगाई अनोखी लाइन। तो ये 4 अलग अलग तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं एमपी में किस तरह से किसान जो है वो खाद को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं। खाद की किल्लत से लगातार किसानों को हम परेशान देख रहे हैं। राजगढ़ में खाद के लिए सुबह 5 बजे से ही किसान जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। राजगढ़ में खाद के लिए स्कूल के छात्र जो है वो भी लाइन में लगे हुए हैं। तस्वीरों के जरिए भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। बता दें कि श्योपुर में खाद ना मिलने से यहाँ पर किसान नाराज हो गए, जिसके बाद से उन्होंने श्योपुर कुन्हाजपुर हाईवे जाम कर दिया है। बड़ौद कृषि विपज मंडी के पास भी यहां पर वाहनों की लंबी लंबी कतार देखी गई। तो वहीं बुधनी में खाद संकट को लेकर किसानों का चक्का जाम देखा गया। ये राजगढ़ जिले की जीरापुर तहसील की विभिन्न सहकारी संस्था जीरापुर का मामला है। यहाँ किसान सुबह 5 बजे से लाइनों में लगे हुए हैं। अभी तक उनको यूरिया के लिए प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। किसान स्कूल के स्टूडेंट बच्चे छोटे छोटे भी आज परेशान हो गए और लाइनों में लग रहे हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त खाद है। फसल खाद बना खाद में तेल दाल मछली तो क्या खराब है। सबसे आज सुबह कितने बजे आ गए थे आप? 7 बजे का आयु की खड़ा गेट ही नहीं खुलिया, गेट में तो दिमाग। खाना वाना कुछ नहीं गया सुबह से? चाय का डबिया पानी भी नहीं मिल गया टाइम हुई। अब 2 बज रही। कौन सा गांव की हो आप, कहाँ की हो? सूरजपुरा। लेकिन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र में किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। खाद के लिए किसान दर दर भटक रहा है, इसलिए हमको मजबूरन 12 श्योपुर इंटरस्टेट हाईवे पर चक्का जाम लगाकर किसानों के साथ बैठना पड़ रहा है। जब तक किसानों को खाद का वितरण नहीं किया जाएगा, किसानों को खाद नहीं मिलेगा, तब तक किसान यहाँ पर सड़क जाम करके रोड जाम करके बैठे रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे। तो बता दें कि नीमच में खाद संकट को लेकर किसानों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। जैसा लोगों को बेवकूफ़, जैसे 20 किलोमीटर दूर से भी आ रहे हैं लोग बहुत सारी, मैं खुद 20 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मेरे को ये मैंने पूछा पहले कि बोले आप खाद दोगे रविवार है उस दिन, तो उन्होंने बोला कि रविवार को भी खाद मिलेगा, मैं नंबर दे रहा हूँ तो आपको खाद मिलेगा। तो हम आ गए यहाँ से, 3 घंटे तक रुके यहाँ पे, कम से कम 50-60 किसान थे, किसी को एक कट्टा नहीं मिला, सब वापिस परेशान होकर घर चले गए। वापिस आ जाए, आज 3 किसान ट्रैक्टर लेके आए, ठीक है, अब उनका नंबर ही नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं है साहब, कल आना बता। हाँ तो खाद की कोई वक्त भी है कि नहीं है? सब खाली नेतागिरी पेट भरना है नेता लोगों के। तो आपके लिए सुविधा के लिए क्या क्या है यहाँ पर? सुशाली में क्या है? कोई सुशाली खाते नहीं है, पानी वाले टेंट कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्या है? पापा की क्या की तबीयत खराब होने से 11 तारीख को नहीं आ पाया मैं। 11 तारीख बताओ, परसों। ये देखिए सर, 11/11/2022, तो वो तो बोल रहे हैं कि यार लाइन में लगो, तो ठीक है, मजबूर मजबूर से लाइन में लग रहे हैं हम। तो वहीं भारतीय किसान संघ ने आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। किसानों की मांग को लेकर आज भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। प्रदेश भर के 6000 गांवों के किसान इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। आपको बता दें कि किसानों के मुद्दे पर 7 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की भी मांग की जा रही है। तो मध्य प्रदेश में खाद का संकट है, लेकिन सरकार जो है वो समझ नहीं रही है। 19 दिसंबर को दिल्ली में किसान गर्जना रैली होगी।
तो भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि किसानों की मांग को लेकर के आज भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन यहां देखने को मिल सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर के 6000 गांवों के किसान जो है इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, भोपाल आएंगे। किसानों के मुद्दे पर 7 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की भी इनकी तरफ से लगातार मांग की जा रही है। दो विसंगतियां नहीं है, एकाधा 10 किसान को किसने दे दिया समस्या समाधान हो जाएगा क्या? ये तरीका गलत है। इसमें राजनीतिक विरोधाभास का जो विषय चल रहा है वो तरीका सही नहीं है। कोई अगर कोई पार्टी के नेता भी चाहते हैं सरकार साथ बैठकर और हमसे पूछे क्या व्यवस्था होना चाहिए, हम कांग्रेस को, भाजपा को और कोई पार्टी यहाँ होगा बता देंगे कि ये व्यवस्था में किसान को खाद ठीक से मिलेगा, समय पर मिलेगा और ढंग से मिलेगा। तो एमपी में खाद संकट पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। कांग्रेस ने खाद की कमी को लेकर के प्रदेश सरकार को निशाने पर दिया है। वहीं कृषि, बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री ने खाद की कमी से साफ इनकार किया है। क्या कहना है नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का, आइए आपको सुनाते हैं। खाद तो केवल शिवराज सिंह के वक्तव्यों में है, सरकार के नुमाइंदों के वक्तव्यों में है। खाद आप चले जाए देख लें जरा, लाइन लगा के सुबह से शाम तक लाइन लगाए, 2 बोरी जिस पर 50 बीघा जमीन है, 20 बीघा जमीन है, उसको दो बोरी दे के अपनी इतनी मानते हैं। कैसे हो जाएगा? सरसों नहीं बो जा सकी, गेहूँ अभी बोने को पड़ा, खाद है नहीं, लोग तड़प रहे हैं, उत्तर प्रदेश से 30 से 64 दामों में ला के लेके आ रहे हैं। पर्याप्त उपलब्धता कंट्री में है, कहीं कहीं वितरण में समस्या है। मुझे भी जहाँ जहाँ खबर मिलती है, तो मैंने भी आज केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री को बात की है, जल्दी स्थिति सामान्य हो। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुकेश मेहता हमारे संवाददाता बुधनी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही अमित शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शोपुर से। अमित, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि किसान जो है खाद की कमी को लेकर, उस किल्लत को लेकर के परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री जो है वो इन बातों से साफ इनकार कर रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। नेता प्रतिपक्ष भी उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में आप लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? शायद मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मुकेश का रुख करना चाहेंगे। मुकेश, देखिए, किसान जो है लगातार परेशान नजर आ रहे हैं खाद की कमी को लेकर के, और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री जो है इन बातों से साफ इनकार कर रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में आप लोग ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जमीनी हकीकत क्या कहती है? जी, हमें बताना चाहूंगा कि कल भी मैंने अपने News24 ने खबर चलाई थी और यहाँ पर चक्का जाम भी हुआ था। कल भी आपको यहाँ बही रखी हुई दिखाई थी, बही की लाइन लग रही थी, और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं सुबह से 6 बजे से लाइन लग गई है खाद लेने के लिए। कल भी जिन लोगों को खाद मिलना था उनको खाद नहीं मिल पाई, दोपहर को 12 बजे ही एक गाड़ी खाद आई और साफ हो गई। किसको दे देते हैं किसको नहीं देते ये पता नहीं चलता, इनको टोकन मार दिया जाता, टोकन के बाद भी इनका नंबर नहीं आ पाता। जी ठीक है, ठीक है मनीष, देख सकते हो लाइन लग रही है मेरे पीछे, आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है, ये अभी सुबह से ही लाइन लग गई है, 6 बजे से लोग खाद के इंतजार में, अभी भी नगद खाद विक्रय केंद्र नहीं खुला। कल भी यही हाल थे इसके, 11:30 बजे नगद खाद विक्रय केंद्र खुला था। जी देखिए, आप ग्राउंड जीरो पर वहां पर मौजूद है, मैं चाहूंगी आप वहां जो किसान में जो किसान लगे हुए हैं उनसे आप बात कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि आखिर जब सरकार कह रही है, सरकार लगातार खाद को लेकर के काम कर रही है, सीएम खुद लगातार इस चीज को लेकर के एक्शन भी ले रहे हैं, तो आखिर उन्हें क्या, किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं बात कराना चाहूंगा। भैया कब से आप लाइन में लगे हो? भैया लगे और पानी देते हैं और दिन भर यहाँ खाद के लिए कितने कितने दिनों से आ रहा है? 7 दिन हो गए, 7 दिनों से रोज आ रहे हैं, आप रोज आ रहे हैं, रोज खाद नहीं मिल पा रही आपको? कल भी गाड़ी, परसों कल भी नहीं मिल पाया, शाम को 6 बजे आप कहाँ से आए? वही मैं चंदपुरा से हूँ और 5 रोज हो गए मेरे को भी। तो देख सकते हैं अपन ग्राउंड जीरो पे भी देख सकते हैं, आज 7-7 दिन के लोग लाइन में लगे हैं, लेकिन 7-7 दिन के बाद भी इनको खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, ठीक है मुकेश, आपके पास भी लौटेंगे। इस बीच हमारे साथ मनीष भी जुड़े हुए हैं रायगढ़ से, मनीष का रुख कर लेते हैं एक बार। मनीष, आप इस वक्त कहां पर
मौजूद है, वहां की तस्वीर क्या है दिखाइए, किस तरह से लोग वहां पर परेशान है। बिल्कुल, राजगढ़ जिले के जीरापुर की तस्वीर है जहाँ पर कल 3 से 4 हजार लोग ग्राउंड पर मौजूद थे। ये सहकारी विपणन संस्था दिखा रहे हैं हम आपको, जहाँ पर ये बोर्ड लगा है इसमें लिखा हुआ है कि समस्त किसानों को सूचित किया जाता है कि संस्था में यूरिया खाद नहीं है, संस्था में यूरिया खाद आने पर वितरण किया जाएगा। सरकार दावे कर रही है कि खाद भरपूर है, लेकिन ये जो बोर्ड आपको बयां कर रहा है, पास आके दिखाइए, ये बोर्ड जो बयां कर रहा है आप दिख रहा है, इसमें लिखा रहा है समस्त किसानों को जो कहता है कि संस्था में यूरिया खाद नहीं है, संस्था में यूरिया खाद आने पर वितरण किया जाएगा। अब मैं बताना चाहूंगा यहाँ के किसान मौजूद है, किसान सुबह से ही लाइन में खड़े हैं, तो किसान यह पर्ची लेकर इनको कल ही पर्ची बांटी गई थी और पर्चों में बताया गया था कि आप कल खाद मिल जाएगा। ये सुबह 5 बजे से यहाँ मौजूद है और 5 बजे से चाह रहे हैं कि हमें कब खाद मिल जाए। कल जब यहाँ लाइन लगी थी 4 से 5 हजार किसान आए थे, इसमें से सिर्फ 1100 किसानों को 2200 बोरियां बांटी गई। अब आप ये देखें किसान बता रहे हैं कि इनके कितनी पर्चा है, आप बताएंगे क्या दिक्कत है आपको। ये रसीदें दी गई है हमें पर, लेकिन अभी तक खाद नहीं दिया, और कल जो खाद आया था वो पता नहीं कहां भेज दिया। बोरी थी बराबर, हमने बोला था कि सबको खाद मिलेगा, 40 बोरी है हमारे पास, उसमें से मात्र ने 1100 कट्टी का मतलब 1100 भेजा, वो बाकी खाद दिया ही नहीं किसी को, और परेशान हो रहे 3-4 दिन से लगातार, और अभी तक खाद नहीं दे रहा, और यहाँ से यहाँ भगाते हैं, पुलिस वाले अलग डंडा मार रहे हैं, यहाँ से भगाते हैं, फिर बोला काले ताला लग रहा, और फिर बोल दिया कि बोला वहाँ मिलेगा, ताला खोलना है अभी, आप ताला खोल रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, और किसान खड़े हैं, ये बताएंगे आपको, इधर देखिए आप बताए क्या दिक्कत है आपको। 4800 बोरी थी, 4800 बोरी में से 2200 बोरी बची है, अभी तक कोई बोरी नहीं, हमें ट्रक का गए कहानी गए ब्लैक में बेच रहे हैं भाई, और ये सब सोसाइटी वाले का काम है, इसमें मिली भगत है सरकार की भी, सरकार कोई कलेक्टर साहब भी कोई आदेश नहीं निकाल रहे हैं, इनपे कलेक्टर भी इनमें मिला हुआ है, मैं बोल रहा हूँ खुद हम तरह से यहाँ के किसान डायरेक्ट प्रशासन पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, लेकिन अगर अंदर की बात अगर जाने तो मानना यह है कि खाद पर्याप्त है। ठीक है मनीष, ठीक है आपके पास लौटेंगे, ठीक है। इस बीच हमारे साथ मुकेश भी जुड़े हुए, एक बार फिर से मुकेश का रुख कर लेते हैं। मुकेश देखिए, लगातार सरकार की तरफ से लेकर के खाद की कमी दूर की जा रही है, खाद को लेकर के काम किया जा रहा है, सीएम लगातार इसको लेकर के मीटिंग्स भी कर रहे हैं, और जमीन पर हकीकत कुछ और ही सामने निकल कर आ रही है, कमी कहाँ देखी जा रही है? कमी अधिकारियों की कमी दिख रही है, खाद तो यहाँ भी बहुत दिख रहा है, यहाँ भी गाड़ियां खड़ी है, वेयरहाउस भरे हुए, लेकिन क्या पता को किस हिसाब से बांट दिए जाते हैं, रात को दिन में गाड़ी आती है, रात को पूरी गाड़ी की गाड़ी साफ हो जाती, किसानों को खाद नहीं मिल रहा, क्या ब्लैक हो रहा है, काला बाजारी हो रही, क्या हो रहा है ये इसका बता नहीं सकते अपन। जी बोलिए, इसको अगर कहीं भी कहीं ना कहीं काला बाजारी कह सकते हैं, दुकानों पे खाद उपलब्ध है, यहाँ पर भी खाद उपलब्ध है, लेकिन यहाँ किसानों की लाइन लगती है, शाम को खाद बहुत सारा आता है लेकिन किसानों को नहीं मिल पाता है। ठीक है ठीक है, मनीष का रुख करते हैं एक बार फिर से। मनीष देखिए, लगातार कहा जा रहा है कि केंद्र पर वहां पर खाद की जो ट्रकें हैं, बोरियां हैं, वो पहुंच रही हैं, लेकिन किसानों में बांटी नहीं जा रही है, कालाबाजारी की जा रही है, कितनी सच्चाई इन बातों में? बिल्कुल, ये तो कहना है कि गाड़ियां आती है लेकिन वो जाती कहाँ है इसका पता नहीं चलता, किसान बोलते हैं गाड़ियां हमने देखी 5 गाड़ियां, ये कल का बता रहा है ये कि 4500 बोरी आई थी लेकिन सिर्फ 1100 किसानों को 2200 बोरी, एक किसान को 2 बोरी दी जाती है, सुबह से लोग लाइन में खड़े होते हैं, 5 बजे उठ के आते हैं घर से भूखे प्यासे, बच्चे आते हैं स्कूल के बच्चे स्कूल छोड़कर यहाँ पर खाद लेने, अब देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है, लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो प्रबंधक है वो कह रहे हैं बुधवार गुरुवार को खाद आएगा, आप जब बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बोर्ड चस्पा गया है, ताला लगा है बाहर। मनीष आप किसानों के बीच मौजूद है, वहाँ लोगों के बीच मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए, बताया जा रहा है लगातार पिछले 7-8 दिनों से खाद की कमी यहाँ पर ये झेल रहे हैं, लाइन में आके सुबह से ही लगते हैं लेकिन फिर भी आखिर में बिना खाद इन्हें लौटना पड़ता है, किस तरह से आगे अपनी आवाज अब रखेंगे? एक गाड़ी थाना में लगवा दी, थाना की गाड़ी भी अब जाके देखी तो थाना में भी गाड़ी नहीं है, 5 गाड़ी वहाँ खड़ी थी, वहाँ की गाड़ी भी एक भी नहीं है सर, कॉलेज की कॉलेज में से गई, एक भी गाड़ी नहीं है सर, और परेशान हो रहा है जो अलग 4-5 दिक्कत है, 4-5 परेशानी ये है कि 4-5 दिन से खाद बोल रहे हैं कि आ जाएगा कल आएगा, खाद दे ही नहीं रहे, और गाड़ी आ रही पता नहीं कहाँ जा रही, वो बरौले वाले के यहाँ बांट रहे थे उसने भी बंद कर दिया, 5-10 कट्टी बांटी उसने फिर बंद कर दिया, वो यहाँ से भगा रहे, पुलिस वाले अलग डंडे मार रहे हैं, वो शासन बोल रहे हैं कि बहुत पर्याप्त खाद है, शिवराज सरकार में खाद नहीं मिल रहा है किसानों को, बहुत बड़ी संकट में है, सरकार को ध्यान देना चाहिए, किसान परेशान हो रहा है,
किसान की सरकार है और किसान को खाद नहीं मिल रहा तो क्या सरकार है कप्तान? देखिए आप डायरेक्ट शिवराज सरकार पर किसान द्वारा आरोप लगाया जा रहा है और एक और नया आरोप सामने आया है। ये कह रहे हैं कि प्राइवेट में यहाँ परवल एक दुकान है वहाँ पर ब्लैक में खाद 600 में 500 में रात में खाद बांट दिया जाता है, पूरी गाड़ी वहाँ ले जाई जाती है, इसका ये किसान के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। अब हम इस तरह इस रिपोर्ट पर पहुंचे हैं कि खाद आखिर आता है लेकिन मिलता क्यों नहीं किसानों? किसान हर बार लाइन में क्यों खड़े होते हैं? जब पर्याप्त किसान खाद है सरकार के पास तो फिर मिल क्यों नहीं पा रहा है? ठीक है, ठीक है मनीष, अब देखना होगा कि किस तरह से ये किसान जो है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाते हैं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं किस तरह से मध्य प्रदेश में खाद की संकट को लेकर के, खाद की कमी को लेकर के यहां पर किसान जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ वो नारेबाजी भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है सरकार के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है और आज भोपाल में एक बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं।